ओके, नाउ आई विल डू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7D, दैट इज कंस्ट्रक्ट अ स्केलिन ट्राइंगल एल एम एन वेयर मेजरमेंट ऑफ एल एम इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ एम एन इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ एल एन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जैसे आपको पता है कि स्केलिन ट्राइंगल में जो आपके पास 3 साइड्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। फर्स्ट साइड की मेजरमेंट और है, सेकेंड साइड की और है, और थर्ड साइड की और है। तो इस ट्राइंगल को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? तो सबसे पहले मैं फर्स्ट जो साइड है ये वाली, मेजरमेंट ऑफ एल एम इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इसको ड्रॉ करूँगी, ठीक है। आपने फर्स्ट साइड को सबसे पहले ड्रॉ करना है, तो अभी मैं इसको ड्रॉ करूँगी नोटबुक पे। ओके जी, तो मेरे पास ये नोटबुक है और इसकी फर्स्ट साइड है, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ एल एम इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो मैं एल एम एक साइड ड्रॉ करूँगी ट्राइंगल की, जिसकी मेजरमेंट क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि मैं डॉट्स लगा दूंगी, एक डॉट 0 के पास, 0 के ऊपर, और एक डॉट यहाँ पे 5 के ऊपर, और फिर मैं लाइन को ज्वाइन करूँगी। ये देखिए जी, मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे डॉट्स लगा दिए हैं और अब मैं इन डॉट्स को ज्वाइन करूँगी। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है 5 सेंटीमीटर की। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस लाइन, एल एंड एम, एंड व्हाट इज़ द मेजरमेंट, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब नेक्स्ट आप साइड देखें, नेक्स्ट साइड आपके पास क्या है, एम एन, ठीक है, दैट इज़ ऑफ 3 सेंटीमीटर। अब आपने इस एम एन 3 सेंटीमीटर को कैसे ड्रॉ करना है ये मैं आपको बताऊँगी। ओके, अब मेरे पास ये स्केल है और ये कंपस है। एम एन की मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर, मीन्स आपने अपना कंपस 3 सेंटीमीटर ओपन कर देना है। कंपस का पॉइंटर रखते हैं 3 पे और इसको 0 तक लेकर जाएं तो ये 3 सेंटीमीटर ओपन हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये ऐसे आपका कंपस ओपन हो जाएगा 0 से 3 तक, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर आपका कंपस एग्जैक्ट ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपने, क्योंकि ये एम एन है, तो किस पॉइंट पे अपना कंपस रखना है, एम पॉइंट पे, ठीक है। इस एम पॉइंट पे मैं अपना कंपस रखूँगी ऐसे, और ओपन मैंने कितना किया है, 3 सेंटीमीटर, और मैं एक आर्क लगा दूँगी ऐसे, ठीक है। यहाँ से 3 सेंटीमीटर मैंने ओपन किया है तो मैं एक आर्क लगा दूंगी, ठीक है। अब ये आर्क ऐसे ही रहेगी और हम नेक्स्ट साइड देखेंगे। नेक्स्ट साइड क्या है, एल एन 6 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगी, अपने कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन करूँगी। यहाँ पे ये स्केल रखा, ठीक है, और मेरे पास मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट में ये देखें, 6 से स्टार्ट किया अपने पॉइंटर, कंपास का ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर होता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे एग्जैक्ट 6 पे रखूँगी यहाँ पे, और 0 तक लेकर जाऊँगी ऐसे, तो ये 6 सेंटीमीटर ओपन हो गया, ठीक है। तो कंपस 6 सेंटीमीटर ओपन हो गया, और ये क्या है, एल एन साइड है, मींस यहाँ पे मैंने, मींस कि ये जो एल है, ठीक है, ये जो एल है, यहाँ पे एल कहाँ पे है, ये है ना एल पॉइंट, तो एल पॉइंट के ऊपर मैंने रखना है अपना कंपस, और मैंने एक आर्क ऐसी लगानी है जो ये मेरी पहले वाली आर्क को कट करे, ठीक है। ये देखिए ऐसे ऐसे मैंने आर्क ड्रॉ कर ली। अच्छा, अब आप ये देखें, ये वाली जो पहले वाली आर्क है ये थोड़ी सी कम है, तो मैं इसको थोड़ा सा 3 सेंटीमीटर ओपन करके, क्योंकि इसकी मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर है, तो मैं दोबारा अपने कंपास को थोड़ा सा, अगर आपकी आर्क्स ज्वाइन नहीं करी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने इनको कंपास को दोबारा मैं 3 सेंटीमीटर पर लेके जाके उस आर्क को थोड़ा सा आगे लेकर जाऊँगी, ठीक है। तो ये 3 सेंटीमीटर ओपन करके, क्योंकि आर्क ज्वाइन नहीं करी आपस में, तो इस आर्क को ये देखिए, मैंने थोड़ा सा, कोई इशू नहीं, अगर आपकी आर्क्स ज्वाइन नहीं हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पहले वाली आर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, ठीक है। ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, और अगेन मैंने यहाँ पे क्या चेक करना है कि जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क्स मीट कर रही हैं, मैंने उस पॉइंट पे डॉट लगा देना। अभी देखें, ये वाला वो पॉइंट है जिस पे ये दोनों आर्क्स मीट कर रही हैं, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया डॉट। अब मैं क्या करूँगी, इस डॉट को नाम दे दें, किसका, एन का, क्योंकि ट्राइंगल हमारे पास क्या है, एल एम एन। अगर ये एल पॉइंट है, ये एम पॉइंट है, तो ये थर्ड पॉइंट कौन सा होगा, एन, ठीक है। अब मैं इस एन पॉइंट से ज्वाइन करूँगी, इस एन पॉइंट को ज्वाइन करूँगी एल से भी और एम से भी, लेकिन ज्वाइन आपने ऐसे करना है, ठीक है, एग्जैक्ट ऐसे। ये देखिए, ये जैसे मैंने स्केल रखा हुआ है ना, ये देखिए नज़र आ रहा है आपको, एग्जैक्ट आप पहले ये ज्वाइन करेंगे यूँ स्केल रख के, और फिर आप यूँ स्केल रख के इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको ज्वाइन करके अभी बताती हूँ। ये देखिए जी, मैं ये मैंने ज्वाइन कर दिया है, और मुझे पता है कि जो एल एन साइड है ये मैंने कितने सेंटीमीटर रखा था, 6 सेंटीमीटर। आपको मैयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने
अपना कंपस इतना ओपन किया है और ये आपके MN की साइड क्या है 3 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास ट्राइंगल बन गया। और ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है? स्केलिन ट्राइंगल। वाई? बिकॉज इसकी सारी साइड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो जब ट्राइंगल की सारी साइड्स डिफरेंट हों तो आपके पास एंगल कौन सा, ट्राइंगल कौन सा बनता है? स्केलिन ट्राइंगल। Now I am doing an example given on page number 138, that is construct an isosceles triangle with xy 6 cm, xz is equal to yz is equal to 4 cm. आपको पता है कि isosceles triangle में two sides equal होती हैं, तो और third side different होती है। तो यहाँ पर देखें xz और yz means two sides equal हैं, xz भी 4 सेंटीमीटर है और yz भी 4 सेंटीमीटर है, और जो थर्ड साइड है xy वो डिफरेंट है, दैट इज़ ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगी? मैं सबसे पहले ये जो xy है 6 सेंटीमीटर ये ड्रॉ करूँगी, ठीक है? अपने पास दैट इज़ xy इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सबसे पहले मैं ये 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगी। देखिए जी, मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है एक्स वाई, जिसका नेम है और जिसकी मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर। लास्ट टू वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे उसको नेम करते हैं और कैसे उसकी मेजरमेंट लिखते हैं, तो यहाँ पे मैंने पहले से लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है कि एक्स जेड, एक लाइन है एक्स जेड और एक लाइन है वाई जेड, और ये दोनों लाइन्स 4 सेंटीमीटर की है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, अपने कंपस को, क्योंकि ये जो आप ये फर्स्ट लाइन आप ड्रॉ करते हैं और बाकी जो टू लाइंस हैं वो आप पहले कंपस से आर्क्स लगाते हैं और फिर आप उनको ज्वाइन करते हैं। तो मैं क्या करूँगी, कंपस को 4 सेंटीमीटर ओपन कर देती हूँ और उससे मैं एक्स पॉइंट से भी 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाऊंगी और वाई से भी, क्योंकि ये एक्स जेड, एक्स पॉइंट से जो लाइन आर्क ड्रॉ होगी और वाई जेड यानी वाई पॉइंट से जो आर्क ड्रॉ होगी, इन दोनों की लेंथ सेम है, डैट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो मैं 4 सेंटीमीटर ओपन करके कंपस ये आर्क ड्रॉ करूँगी, राइट? देखिए जी, मैं ये मेरे पास स्केल है और पॉइंटर मैं रखूँगी 4 पे। ओके जी, यहाँ पे मैं इसको पॉइंटर रखूँगी 4 पे और यहाँ पे ये देखिए एग्जैक्ट पॉइंटर मैंने रखा 4 पे और ये यहाँ पे 0 तक लेकर जाना है, तो ये 4 सेंटीमीटर ओपन हो गया। अब क्योंकि एक्स एक्स जेड भी 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर एक्स से भी मैं 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाऊंगी और वाई से भी। तो यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देती हूँ और यहाँ पे मैं रख रही हूँ ये देखिए एक्स पॉइंट पे, और बिल्कुल फ्रीली आपने आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है? यूँ, ठीक है? और इसी तरीके से आप वाई पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे आपने ये अभी देखिए दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट करेंगी, ठीक है? और बिल्कुल जैसे मैंने पहले टू क्वेश्चंस में किया था, यहाँ पे भी मैं जिस पॉइंट पे ये आर्क्स एक दूसरे के साथ मीट कर रही हैं वहाँ पे मैं लगा दूँगी डॉट, ठीक है? और यहाँ पे फिर अब मैं इन इस डॉट को यहाँ से ज्वाइन करूँगी, इधर भी यूँ रख के आपने लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है? इस डॉट को इस डॉट से ज्वाइन करूँगी एक्स वाले, और इस डॉट को ये जो वाई पॉइंट है इससे ज्वाइन करूँगी एग्जैक्टली। तो मैं आपको ज्वाइन करके बताती हूँ जी, ये मैंने ज्वाइन कर लिया, दिस इज़ पॉइंट एक्स, दिस इज़ पॉइंट वाई, और ये जो थर्ड पॉइंट है दिस इज़ पॉइंट जेड। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि एक्स से जो मैंने आर्क ड्रॉ की थी वो 4 सेंटीमीटर की थी, तो एक्स जेड की लेंथ क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। और वाई से जो मैंने आर्क ड्रॉ की थी वो कंपस को 4 सेंटीमीटर ओपन करके की थी, तो यहाँ पे भी वाई जेड की भी मेजरमेंट क्या आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। एंड दिस ट्राइंगल इज़ आइसोसेलस ट्राइंगल बिकॉज, क्यों ये ट्राइंगल आइसोसेलस ट्राइंगल है? बिकॉज इसकी टू साइड्स इक्वल हैं। आप देख लें कि इसकी टू साइड्स इक्वल हैं, एक्स जेड एंड वाई जेड 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड जो है वो डिफरेंट है, दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। सो इन दिस वे यू कैन कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलस ट्राइंगल एंड स्केलिन ट्राइंगल। सिंपल आपने क्या करना है, लाइन्स ड्रॉ करनी है, अपने कंपस को ओपन करना है, जितनी मेजरमेंट आपको गिवन है, और आप इजीली ये लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। मैंने क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, तो आपके पास ये 139 पे स्केलिन ट्राइंगल ड्रॉ हुआ हुआ है, आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेज नंबर 137 पे आपके पास ड्रॉ हुआ हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो आप इस एग्जांपल की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस एग्जांपल की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये वाली एग्जांपल पेज नंबर 138 पे जो एग्जांपल थी वो मैंने आपको करवा दी है। और आपके पास जो वीडियोस हैं उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 भी करा दिया है, तो यह आज आपका टास्क है, आपने क्वेश्चन 1 और 3 भी करना है और अपनी जो फर्स्ट 3 एग्जाम्पल है उनको भी प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।